प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की स्वामित्व योजना का डिजिटल शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि देश के करीब 1,00,000 लोगों को जमीन की रजिस्ट्री मिली है। इस योजना के अंतर्गत करनाल जिला के भी सिरसी गांव के बाद 13 अन्य गांव लाल डोरा मुक्त घोषित हुए हैं और करीब 4,016 लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। जिले के गांव शाहपुर में तहसीलदार राजबख्श सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन गांवों में कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रत्येक गांव में 10 से 20 व्यक्तियों को फिजिकल तौर पर डीड वितरित की तथा शेष लाभार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर डीड का SMS भेजा गया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हरियाणा के अन्य जिलों की अपेक्षा अब तक करनाल जिला में सबसे अधिक डीड का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार प्रदेश के गांवों को लाल डोरा मुक्त बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा गांवों में लाल डोरे की ड्रोन कैमरे से मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। इन गांवों के लोगों की पहले प्रॉपर्टी ID बनाई जाती है, उसके बाद दावे व आपत्ति स्वीकार करके सभी का निपटारा किया जाता है। फिर संबंधित गांव के लोगों को जमीन के मालिकाना हक की डीड वितरित की जाती है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा डिजिटलीकरण के तहत जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज ऑनलाइन होने के साथ साथ स्कैन करके रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखे जाते हैं। शाहपुर गांव में तहसीलदार करनाल राजबख्श करीब 774 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों को तथा दादूपुर में जिला राजस्व अधिकारी श्यामलाल ने करीब 813 व्यक्तियों में से 20 लाभार्थियों को मौके पर ही डीड वितरित की तथा शेष लाभार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड डीड का SMS भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के शुभारंभ अवसर पर इंद्री ब्लॉक के गांव जोहड़ माजरा कला में SDM इंद्री सुमित सिहा करीब 377 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों को जोहड़ माजरा खुर्द में तहसीलदार इंद्री दर्पण काम्बोज ने करीब 307 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों को करतारपुर गांव में BDPO अंग्रेज सिंह ने करीब 49 व्यक्तियों में से 10 को मोहनपुर में नगराधीश विजया मलिक ने करीब 86 व्यक्तियों में से 20 तथा समसपुर में पंचायती राज के SDO गौरव भारद्वाज ने करीब 341 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों को डीड वितरित की तथा शेष लाभार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर डीड का SMS भेज दिया गया है। इसी प्रकार स्वामित्व योजना के शुभारंभ अवसर पर घरोंडा ब्लॉक के गाँव ढींगर माजरा में SDM डॉक्टर पूजा भारती ने करीब 229 व्यक्तियों में से 20 व्यक्तियों को गढ़ी मुल्तान में तहसीलदार घरोंडा रमेश अरोड़ा ने करीब 150 व्यक्तियों में से 20 को जमालपुर में नायब तहसीलदार घरोंडा सुमन लता ने करीब 365 व्यक्तियों में से 20 को कलवेड़ी में BDPO घरोंडा नरेश शर्मा ने करीब 458 व्यक्तियों में से 20 को मलिकपुर में पंचायती राज के SDO नारायण दत्त ने करीब 102 व्यक्तियों में से 20 को फिजिकल तौर पर डीड वितरित की तथा शेष लाभार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड डीड का SMS भेजा गया है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। नमस्कार, समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पायलट पेज के तहत गांव वासियों को उनके स्वामित्व कार्ड वितरित किए गए हैं। हमारे साथ हैं तहसीलदार राजबख्श जी, क्या बताना चाहेंगे जी इस स्कीम के बारे में, क्या योजना है? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन पे आज स्वामित्व लाल डोरे की योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें आज हमारे करनाल के 14 गाँव का 4293 रजिस्ट्रियाँ का था, जिसमें लगभग कुछ 3900 के लगभग हमने रजिस्ट्रियाँ कर दी है। तो इससे आम आदमी को कहीं भी किसी ने कोई इसको बेचना हो या किसी बैंक से लोन लेना हो तो इससे इनको लोन मिल सकता है और लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, क्योंकि इसमें नक्शे में उनकी डायमेंशन है, जिससे कल को कोई किसी पे भी नजायज़ कब्जा नहीं कर सकेगा और अपना इस योजना से सारे लोग इस पे फायदा उठा सकते। आज शाहपुर में हमारे टोटल गांव में इसकी प्रॉपर्टी ID 449 थी, जिसमें हमने 1374 की रजिस्ट्री कर दी है। बाकी 75 किसी कारणवश या तो वो बाहर रहते हैं या जिस टाइम सर्वे है उसके बाद कोई एक्सपायर हो चुके हैं, उनके वारसन की करके ये रजिस्ट्री 100% हो जाएगी। टोटल हमारे 14 गांव में, सारे गांव में हो रहे हैं, कलामपुरा,
दादूपुर शाहपुर तो ये हमारे करनाल तहसील के गांव हैं, और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी हमारी तहसील में गांव सिरसी में ही था, जो हमने बड़ी सफलतापूर्वक इसमें काम किया। हाँ बिल्कुल, लोगों से अपील करते हैं कि ये अपना इस स्वामित्व योजना का फ़ायदा उठाएं। जिसको भी किसी को बैंक लोन की किसी भी की ज़रूरत है, तो किसी ने कोई अपना व्यवसाय बढ़ाना है या कोई अपनी घर में ही छोटा कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो उसमें लोन लेके काम कर सकते हैं, या बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चों की शादी के लिए भी वो अपना लोन वगैरह ले सकते हैं। इसको कैसे निर्धारित किया गया है, किस तरह? इसको ड्रोन सिस्टम के आधार पे पहले इसका लाल डोरा लोकेट किया गया है चूना डाल के, उसके बाद ड्रोन से जिसमें कोई झगड़ा नाम की तो चीज़ रहती नहीं, ख़त्म हो जाती है, इसमें 100% बिल्कुल क्लियर डायमेंशन आती है उसमें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.